व्यापारी भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मारूफगंज मंडी भाव। आज शुभ दिन बुधवार 6 जुलाई 2022 को जान लेते हैं किन किन मसालों में तेज़ी मंदी रही, आज मसालों के क्या भाव रहे। तो व्यापारी भाई, बात की जाए मसालों की तेज़ी मंदी के बारे में, तो आज लगभग सभी मसालों के भाव समान बने हुए हैं, लेकिन मसालों में आगे तेज़ी बनने की संभावना दिख रही है। मसालों के बाज़ार फ़िलहाल अब मंदे नहीं होंगे, तेज़ ही रहेंगे। ख़ास करके धनिया, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, इन सब के बाज़ार फिर से पुनः बढ़ेंगे और जल्द ही सभी मसालों में थोड़ी बहुत और तेज़ी देखने को मिलेगी। बात की जाए आज मसालों के भाव के बारे में, तो आज रामगंज मंडी वाली क्वालिटी अनुसार 128 से 135 रुपये तक बिका है। धनिया अपना लोकल बिहार वाला क्वालिटी अनुसार 115 से 120 रुपये तक बिका है। धनिया बंगाल वाला मशीन क्लीन क्वालिटी अनुसार 110 से 115 रुपये तक बिका है। धनिया दाल क्वालिटी अनुसार 95 से 102 रुपये तक बिका है। हल्दी हिंगोली गट्ठा 75 से क्वालिटी अनुसार 78 रुपये तक बिका है। हल्दी हिंगोली फिंगर क्वालिटी अनुसार 80 से 88 रुपये तक बिका है। काली मिर्च 525 से क्वालिटी अनुसार 590 रुपये तक बिका है। जीरा काका गोल्ड 252 रुपये में बिका है। जीरा काका आरएम 250 रुपये में बिका है। जीरा सेठ जी 1 किलो के पैक में 246 रुपये में बिका है। जीरा केस अशोका 240 रुपये में बिका है। लाल मिर्च तेजा क्वालिटी अनुसार 190 से 210 रुपये तक बिका है। तेजा फटकी क्वालिटी अनुसार 145 से 155 रुपये तक बिका है। तेज पत्ता क्वालिटी अनुसार 40 से 60 रुपये तक बिका है। अजवाइन क्वालिटी अनुसार 120 से 150 रुपये तक बिका है। कलौंजी क्वालिटी अनुसार 140 से 165 रुपये तक बिका है। मेथी क्वालिटी अनुसार 65 से 66 रुपये तक बिका है। पीली सरसों मोटी वाली 88 रुपये में बिका है। पीली सरसों महीन वाली 82 रुपये में बिका है। और व्यापारी भाई, आप अन्य मसालों के भाव जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप के से जुड़ के आप अन्य मसालों के भाव पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और व्यापारी भाई, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मसालों से संबंधित, तेजी मंदी संबंधित, भाव संबंधित जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे लाभ उठाएं।